हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक केक। इतनी सॉफ्ट है, इतनी टेस्टी है और विटामिन से भरपूर है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हमें गाजर को इस तरह से पील करके धोकर हम काटकर कुकर में डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। दो हुईसी लाने के बाद हमें गैस बंद कर देंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाए तब हम इसको ग्राइंड कर देंगे, एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। अब हम एक बाउल में 100 ग्राम बटर लेंगे। चीनी आप स्वाद का अनुसार ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी डाला है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसके बाद जो कैरेट का पेस्ट है उसको डाल देंगे। अब इसके बाद हम 4 कप आटा लेंगे, 1 कप मिल्क पाउडर लेंगे, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून नमक। अब हम इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। दो कप पानी डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क और 1/2 कप पानी डालकर हम इसको फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे। अब हमारा मिक्सचर रेडी हो गई है। अब हम केक टिन को अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे। ऊपर मैंने थोड़ा सा मगज डालकर गार्निश कर दिया है। आप चाहे तो आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब हम इसको स्टीम करने के लिए रख देंगे 25 से 30 मिनट के लिए। अब हमारा केक बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए हम इसको निकालेंगे। और देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। आप इसे एक बार ज़रूर बना कर देखिए। आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं क्या अगले नए वीडियो पे। तब तक टाटा बाय बाय।